मंझोला थाना इलाके के लाइनपार इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब दामाद द्वारा अपनी ही सास को गोली मार दी गई। जानकारी के मुताबिक दामाद कोई भी काम नहीं करता था, जिसके चलते घायल महिला की बेटी अपने घर वापस रहने के लिए आ गई थी, जिसको वापस लाने के लिए दामाद आया था। जिसका विरोध बेटी ने किया तो दबंग दामाद को सास के द्वारा टोका गया, जिस पर आक्रोशित होकर दबंग दामाद द्वारा सास पर फायर कर दिया गया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा महिला का उपचार किया जा रहा है। सर, मैं तो जो है काम पे था, मुझे अभी पता चला है, मेरे पास लड़के आए थे, यहाँ से बात हो गई, तो तुरंत मैं छुट्टी लेकर आया। ये बताया जा रहा है हमारा बहनोई ने गोली मार दी इनके घर पर आकर। क्या करते हैं बहनोई आपके? बहनोई डबल फाटक पर घर है, वहाँ पर रहता है। क्या नाम है? आर्यन मधुबन। आर्यन मधुबन। तो कोई विवाद चल रहा था क्या मामला? विवाद उवाद कुछ नहीं था, ये जो है हमारी बहन जो है इनने जो पैसा कमाया वो सब उड़ा दिया, हमारी बहन जो आ गई किराए पर रहते थे ये दोनों, तो इसी चक्कर में घर पर रुक गई है, इस वजह गई नहीं है। सिस्टर आपके घर ही थी? और वो बार बार बुलाने आ रहा था, लेकिन हमारी बहन। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्र अधिकारी सिविल लाइन पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी। घायल महिला की स्थिति जानने के लिए जब इमरजेंसी मेडिकल ऑफिस से बात की गई तो जानकारी देते हुए बताया कि महिला की स्थिति सामान्य है, डॉक्टर द्वारा महिला का उपचार किया जा रहा है, गन शॉट के कारण महिला घायल हुई। एक महिला राजवती आई है, घायल अवस्था में आई है, उसके माथे में चोट आई है। परिवार में उनकी जो बेटी है वो बता रही है कि उसको उसके दामाद ने गोली मारी है, हमने मेडिकल कर दिया, उपचार किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही SP सिटी अमित कुमार आनंद भी मौके पर पहुंच गए और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। ये थाना मझौला क्षेत्र में एक महिला पे फायर होने की सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची है। जो ज्ञात हुआ है कि इसमें पति पत्नी का विवाद था, इसमें पत्नी जो है अपने मायके आई हुई थी और जो पति था इसके मायके पहुंचा था, वहां पे ये घटनाक्रम हुआ है जिसमें सास घायल है। इनकी सास को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, डॉक्टर ने उनकी स्थिति को स्टेबल बताया अभी और इसमें इनका इलाज किया जा रहा है, इसमें मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं SP सिटी ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात को लेकर पुलिस टीम गठित करके कार्रवाई की बात कही है।